नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में पहली बार कैमरून अफ्रीका से आए मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट लखनऊ के अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा किया गया। निरंतर नई और अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है और मरीजों को नया जीवन दे रहा है। अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ का पहला प्राइवेट अस्पताल बना। अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के CEO और MD डॉक्टर मयंक सोमानी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। देश में रहने वाले मरीज उत्तर प्रदेश में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, बल्कि विदेश में भी मरीज उत्तर प्रदेश का रुख करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि अपोलो मेडिक्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम पिछले 2 साल से चला रहा है, जिसमें वो कई सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। कंट्री से मेडिकल एडवाइस तो नहीं दी, पर क्योंकि वो तो वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर आए। ट्रांसप्लांट कैमरून में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, इसलिए वो कैमरून से बाहर आए ट्रांसप्लांट। हाँ, वहाँ के डॉक्टर से उनके जो डॉक्टर देखभाल कर रहे थे, क्योंकि ये जब यहाँ पहली बार आए उसके बाद वापस गए, उनको डायलिसिस तो हम लोग ने उनको एडवाइस दिया कि क्या डायलिसिस कैसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पहली बार देख रहा था तो उनका डायलिसिस की जो एडिक्वेसी थी, जितना डायलिसिस होनी चाहिए थी वो हम लोग के हिसाब से कम थी, तो उसको बढ़ाने के लिए बताया गया था। दूसरा, वहाँ जाकर के कैमरून जाकर के इनको थोड़ा बुखार आया था, तो वहाँ पर जांच करके उन्होंने हम लोगों को रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर हम लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट एडवाइस किया था। तो उनके डॉक्टर्स हम लोग से सलाह दे रहे थे, ठीक है। एक्सलेंट क्वेश्चन। देखिए कि हर पेशेंट ये सोचता है कि ट्रांसप्लांट करवा लिया तो हम एकदम आजीवन एकदम स्वस्थ रहें, पर ये भूल जाता है कि ये गुर्दा जो है कि शरीर के लिए एक बाहरी चीज़ है, फॉरेन ऑर्गन है, तो उसकी भी एक सीमित लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 साल तक अबाउट 95% लोगों का नया गुर्दा ठीक से चलता है। 100 में से ऐसे 5 व्यक्ति होते हैं जिनका नया गुर्दा 1 साल के अंदर ही कमजोर पड़ जाता है। ट्रांसप्लांट में कौन कौन डॉक्टर साहब थे? तो हमारे डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर आदित्य शर्मा, ये सर्जन थे, डॉक्टर शहजाद आलम, और मैं नेफ्रोलॉजी टीम के साथ, हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र और डॉक्टर मेघा हमारी नेफ्रोलॉजी टीम के साथ थे। इंटेंसिव केयर में डॉक्टर सुशील सिंह, ये इंटेंसिव एनेस्थीसिया टीम के डॉक्टर साहब, तो उसका लिस्ट हम लोग दे देंगे। सर कितना समय लगा था, कितने समय यहाँ रुके थे? काफ़ी पहली बार आए थे अप्रैल में, उसमें 1-2 हफ्ते के रुके थे, टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया था, चले गए, तो उसमें कोविड आ गया था, कोविड का काफ़ी ज़्यादा लहर था, आपको तो मालूम ही है। उसके बाद दोबारा अभी आए हैं, और इसमें हम लोगों को एक परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से। आप विदेशी नागरिक को अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो सरकार, भारतीय सरकार ने नियम बना रखा है ब्रेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अनुसार, कि हमें स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी से इसमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उनसे क्लियरेंस लेना पड़ता है कि वो अप्रूव करते हैं। सर अभी तक कितने ट्रांसप्लांट अपने यहाँ हुए हैं और लगभग कितना खर्चा आ जाता है? 60 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं इस अस्पताल में अभी तक। खर्चा डॉक्टर साहब ने बताया है कि हिंदुस्तानी नागरिक के लिए करीब 4.5 लाख रुपये और विदेशी नागरिक के लिए करीब 6 लाख। बस जो कि हिंदुस्तान के आसपास कंट्रीज में नहीं, अफ्रीका से आया है। सर क्या अफ्रीका का कोई डेलीगेशन डॉक्टर का आप लोगों से संपर्क किया, कैसे क्या? इसने पेशेंट ने खुद ही ने अपना यहाँ